मुंबई में क्लास 1 से क्लास 9 तक के सभी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 31 जनवरी तक क्लास 1 और 9 तक के स्कूल बंद हैं। मुंबई में सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा चलेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है मुंबई महाराष्ट्र से, वो ये है बल्कि गोवा से है। मुंबई में गोवा जा रहे क्रूज के चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कटरा के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टालनी पड़ी है। कल यूनिवर्सिटी में एक साथ 13 छात्र संक्रमित मिले थे और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है, परीक्षाओं को टालना पड़ा है। देश में कोरोना के मामले हर दिन पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारत में 24 घंटे में आए 33,750 नए कोरोना केस। तो आप देखिए दायरा जो है वो संक्रमण कितनी तेजी से अपना बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना की चपेट में जीतन राम मांझी का पूरा परिवार आ चुका है। प्ले ऑन करें ब्रेकिंग को। जीतन मांझी की पत्नी, बेटी, बहू भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। मांझी के पीए समेत 18 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 18 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग में हिदायतें दी हैं। अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, तो प्रधानमंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। आइए ओमिक्रॉन वर्ल्ड इमरजेंसी देखिए। पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है उसके, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सत्ता का रास्ता आता है और सत्ता से ही समाधान निकलता है। क्या आज समाधान निकालने की कोशिश की आप समझिए। जहां ज्यादा केस वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती हो, ये प्रधानमंत्री ने आज मंत्र दिया है इस हाई लेवल मीटिंग में।